वेलकम क्लास ईयर इन टू डेज एस एस टी क्लास स्टूडेंट्स इन अवर टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ऑल बुक एक्सरसाइजिस जो भी चैप्टर्स हमारे पीरियडिक सेकेंड में आने वाले हैं उन चैप्टर्स के बुक एक्सरसाइज पे हम आज डिस्कसन करेंगे सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर दैट विल कम इन अवर पीरियडिक सेकेंड इज नीड ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम सिविक्स

पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि पार्लियामेंट एक ऐसा संस्था है एक ऐसा आम, और इंस्टीट्यूशन है जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो लॉ मेकिंग का काम करते हैं तो ये तो पार्लियामेंट का मेन वर्क है यानि ये स्टेटमेंट ट्रू है थर्ड सी है पार्लियामेंट को कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी कंट्री का और ये भी ट्रू है तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है केसेस और कोर्ट ऑफ लॉ को तो ये रॉन्ग है ऑप्शन बी इज रॉन्ग सेकेंड क्वेश्चन इज हु इलेक्ट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया के प्रेजिडेंट को कौन इलेक्ट करता है फर्स्ट मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर ऑफ लेजिटिव असेंबली और बोथ ए एंड बी तो जब भी हमारे प्रेसिडेंट का को सिलेक्श सिलेक्ट करने की बात होती है तो यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स के साथ साथ हमारे जो स्टेट लैजिटिव असेंबलीज होती हैं है ना विधानसभा विधान, विधान परिषद ये मिलकर प्रेजिडेंट का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास सेवेंथ अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नाउ आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन लिस्ट द वर्क ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ वर्क्स दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे हमें पहचान के बताना है कि कौन सा वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कौन सा वर्क स्टेट गवर्नमेंट का है हम सबको पता है कि हमारे कंट्री के अंदर सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट के साथ साथ कॉन्करेंट लिस्ट भी बनी हुई है जहाँ पर हमारे सेंट्रल स्टेट के बीच में फिक्स है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कौन कौन से वर्क्स हैं जो दोनों के रिस्पॉन्सिबिलटी में आते हैं कुछ वर्क्स ऐसे भी हैं जो स्टेट और सेंट्रल दोनों के मिलकर काम करते हैं जिन्हें हम कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड करते हैं तो इन वर्क्स के बेसिस पे हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ग किस गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है फर्स्ट अ न्यू रेलवे लाइन विल बी लेड टू कनेक्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रेलवेज को एक्सपेंड करना है रेलवेज का कनेक्शन बढ़ाना है इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है स्टेट की नहीं नेक्स्ट पंजाब गवर्नमेंट डिसाइड टू इंस्टॉल मोर बोरवेल्स टू हेल्प द फार्मर्स पंजाब की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरवेल्स बनाएंगे ताकि फार्मर्स को इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सकें तो ये डिसीज़न स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फार्मिंग और इरीगेशन से रिलेटेड चीज़ों में अपने यहाँ के सिटीजन्स की हेल्प करें थर्ड इस्टिंजेंट लॉज आर बींग इम्प्लीमेंटेड फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लेशन ऑफ चिल्ड्रेन चिल्ड्रेंस के बच्चों के एक्सप्लाइटेशन को रोकने के लिए कौन लॉ बना सकता है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबलिटी होती है यानी क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रेन uh, एक्सप्लाइटेशन और ऐसे मैटर्स हमारे कंकर्ंट लिस्ट में आता है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबलिटी होती है स्टूडेंट्स टू मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर गिवेन ईयर हाउ इज़ पीपल्स पार्टिसिपेशन पॉसिबल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया इंडिया में किस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन हो पाता है फर्स्ट ऑल एडल्ट सिटीजन्स आर गिवेन द राइट टू वोट यानी सभी एडल्ट सिटीजन्स को यहाँ पर राइट टू वोट दिया हुआ है और उसी के वजह से यहाँ पर लोग कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर पाते हैं सेकंड पीपल टेक डिसीजन ऑन देयर ओन यहाँ के पीपल खुद ही सारे डिसीजंस लेते हैं या फिर थर्ड पीपल डायरेक्टली कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट कि इंडिविजुअल पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं ऐसा तो है नहीं हमारी इंडियन गवर्नमेंट में हमारी इंडिया में जो डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी इंडिया है यहाँ पर पीपल्स का पार्टिसिपेशन किस वे वे में होता है इलेक्शंस के थ्रू है ना हम डायरेक्टली गवर्नमेंट से किसी भी तरह का आर्ग्यू नहीं करते हम डायरेक्टली किसी भी तरह के डिसीजंस खुद नहीं लेते हैं अपने वेलफेयर के लिए बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दिया हुआ है गवर्नमेंट को और ये हम गवर्नमेंट से कराते हैं थ्रू इलेक्शंस है न इलेक्शंस के थ्रू हम सिलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को जो हमारे बिहाफ में हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है और यही हमारा पार्टिसिपेशन होता है नेक्स्ट वट इज़ द टर्म यूज टू डिनोट द प्रेजेंस ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हमारे पार्लियामेंट के टू हाउसेस हैं लोकसभा एंड द राज्यसभा और इनको कम्बाइंड वे में एक वर्ड यूज़ कौन से वर्ड के थ्रू हम यूज़ करते हैं जिससे सब पता चलता है कि हमारे पार्लियामेंट में टू हाउसेस हैं फर्स्ट इज़ यूनिकैमरल सेकेंड मल्टी कैमरल और थर्ड इज़ बाई कैमरल यूनी कैमरल मीन्स वन हाउस मल्टी कैमरल मीन्स बहुत सारे हाउसेस और बाई कैमरल मीन्स टू हाउसेस तो क्लियर हो रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा टू हाउसेस आर पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट तो हम यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे बाई कैमरल नेक्स्ट चैप्टर इज़ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल्स एट शेलो डेप्थ आर टेकन आउट बाई रिमूविंग द सरफेस लेयर विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड जब शैलो डेप्थ्स में कोई भी मिनरल होता है तो हम उसे किस मेथड के थ्रू उन मिनरल्स को निकालते हैं यानी किन किस मेथड के थ्रू हम यहाँ पर माइनिंग करते हैं तो साफ्ट माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग एंड ट्रिलिंग थ्री ऑप्शन आर गिवन यर एंड द राइट ऑप्शन इज बी ओपन कास्ट माइनिंग मेथड के थ्रू हम शैलो डेप्थ से अपने मिनरल्स को निकालते हैं सेकेंड फॉजल फ्यूल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रिनेबल एनर्जी नॉन रिनेबल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी एंड द राइट आंसर इज रिनेबल एनर्जी फोजल फ्यूल्स हमारे रिनेवेबल एनर्जी के सोर्स होते हैं नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स डैश ऑकर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सा मिनरल है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स के बीच में पाया जाता है तो इसका राइट right आंसर होगा कोल जो कोयला है वो सैडिमेंट्री रॉक्स के डिफरेंट लेयर्स के बीच में पाया जाता है जिसको हम लोग एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं और हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा जो फ्यूल uh, जो एक फ्यूल है या बहुत ज़्यादा जो पावर रिसोर्स एक तरह से हमें मिल रहा है वो कोल के थ्रू मिलता है नेक्स्ट हाइड्रल पावर पावर प्रोड्यूस डैश ऑफ द वर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी हमारे वर्ड की इलेक्ट्रिसिटी का कितना परसेंट जो भाग है वो हाइड्रल पावर के थ्रू हमें मिल पा रहा है द राइट आंसर इज़ ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड वी कैन से वन फोर्थ ऑफ द वर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी वी आर गेटिंग फ्रॉम हाइडल पावर प्रोड्यूस हाइडल पावर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट एनर्जी ऑबटेंड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड वो हीट एनर्जी जो हमें अर्थ से मिलती है उसे क्या कहते हैं इस हीट एनर्जी को हम जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं नेक्स्ट इन इंडिया पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन डिगबोई इन आसाम है ना हमारे इंडिया में पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है आसाम का एक पार्ट है डिगबोई और यही मेन सोर्स है हमारे इंडिया में जहाँ से हम पेट्रोलियम को पाते हैं नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग फर्स्ट इज़ हाइड्रल पावर हाइड्रल पावर से हमें क्या मिलता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हाइड्रल पावर विल मैच विथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी ऑप्शन सी सेकेंड इज़ यूरेनियम यूरेनियम किस वर्ग में यूज़ होता है यूरेनियम यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर में इट मीन्स इट विल मैच विथ ऑप्शन ए न्यूक्लियर पावर थर्ड इज़ माइका माइका जो है उसका राइट right मैच कौन सा होगा इंडिया माइका हमारे इंडिया में पाया जाता है यानी ऑप्शन डी एंड द लास्ट इज़ द यू एस ए यू एस ए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस सो क्वेश्चन फोर विल मैच विथ ऑप्शन बी नेक्स्ट वी विल मूव टू मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर गिवेन यर फर्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है घाना चिले एंड जिम्बापे एंड द राइट आंसर इज चिले चिल्ले में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कॉपर पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में जिसका फ़ायदा भी चिल्ले उठाता है और कॉपर का एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे अमाउंट में यहाँ से होता है जिससे यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है नेक्स्ट सेकंड इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मिनरल इनमें से कौन सा फीचर है जो कि मिनरल का फीचर नहीं है डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन तो ये तो राइट है मिनरल्स में जो जितने भी तरह के केमिकल्स होते हैं उनका एक फ़िक्स कंपोजिशन होता है फिक्स अमाउंट में एकदम यहाँ पर अलग मतलब फिक्स रेशियो में डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं तो ऑप्शन ए तो नहीं है बी इन एग्जॉस्टिबल एंड सी इज़ क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसेस तो मिनरल तो क्रिएट होता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू मिनरल्स को तो मैन मेड नहीं होता है मिनरल्स को तो हम खुद क्रिएट नहीं करते तो ये भी एक ऐसा प्रोसेस चीज़ है जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होता है और यहाँ पर आंसर्स कौन सा राइट होगा ऑप्शन बी इन एग्जॉस्टिबल क्योंकि ये एग्जॉस्टिबल नहीं होता है बल्कि एग्जॉस्टिबल होता है नेक्स्ट चैप्टर इज एग्रीकल्चर एंड इट्स टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अबाउट डैश ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर कितने परसेंट जो इंडियंस हैं जो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं तो क्या आंसर हो सकता है इसका वन थर्ड टू थर्ड एंड वन फोर्थ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टू थर्ड्स पॉपुलेशन आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया सेकेंड इज स्लैस एंड वन कल्टिवेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ स्लैस और बर्न कल्टिवेशन जो है वो किस तरह का किस चीज़ का एक फॉर्म है ऑर्गेनिक फार्मिंग इंटेंसिव एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और या शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी हम इसे कह सकते हैं तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी शिफ्टिंग कल्टिवेशन और स्लैश और बर्न ये दोनों ही एक तरह के से सिमिलर ही हैं है ना जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नॉमेटिक ट्राइब्स होते हैं फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं आइसोलेटेड एरियाज़ में रहने वाले लोग होते हैं उनको वो जो फार्मिंग करते हैं इसी मेथड के थ्रू फार्मिंग करते हैं जहाँ पर वो फॉरेस्ट को स्लैश और बर्न मेथड के थ्रू जला देते हैं है ना एक साथ पूरे फॉरेस्ट को काट दिया जाता है या जला दिया जाता है और उसके एशेज़ को फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते हुए वहाँ पर फार्मिंग की जाती है, है ना और एक टाइम के बाद जब उस जगह के सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है तो ये नोमैडिक ट्राइबल्स क्या करते हैं वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं मूव करते हैं आगे की तरफ और फिर स्लैश बर्न मेथड के थ्रू वहाँ पर अपने लिए कल्टीवेशन के योग्य ज़मीन तैयार करते हैं है ना इसीलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन कोऑपरेटिव फार्मिंग लैंड इज टिल्ड बाई द फार्मर्स कोऑपरेटिव फार्मिंग में लैंड किसके साथ मिला हुआ होता है बटा हुआ होता है कलेक्टिवली है नी कई सारे फार्मर्स मिलकर कलेक्टिवली कोऑपरेटिव फार्मिंग्स के थ्रू फार्मिंग के थ्रू फार्मिंग करते हैं जिसमें जो भी फायदा नुकसान जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सभी फार्मर्स इक्वली शेयर करते हैं सेकेंड द टर्म एग्रीकल्चर इज़ डायरिव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चरा मीन्स टू कल्टिवेट है ना एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से मिल के बना हुआ है जिसमें एगर का मतलब होता है फील्ड और कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टिवेट यानी किसी भी फील्ड में कल्टिवेट करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है ठीक है तो एग्रीकल्चर कहाँ से निकल के आया है लैटिन वर्ड एगर और कल्चरा से मिलकर बना है नेक्स्ट डैश एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है ना कौन सा एग्रीकल्चर है किस टाइप का एग्रीकल्चर है जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्म है हमारे एग्रीकल्चर का तो राइट आंसर है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ना सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे कंट्री के अंदर और यही सबसे बेसिक फॉर्म है हमारे एग्रीकल्चर का जो ज़्यादातर एरियाज में हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिल ब्लैंक्स इज़ इन कमर्शियल फार्मिंग मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स जब भी हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो ज़्यादातर वर्क जो हमारा होता है वो मशीन्स के थ्रू करा जाता है क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग का करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है जो मेन एम होता है वो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना और हम फार्मिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तब कमा सकते हैं जब हम बहुत ही फास्ट प्रोडक्शन करें और बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोडक्शन करें है ना और जब हम मशीन्स को टूल्स को न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना शुरू करते हैं तो हमारा वर्क फार्मिंग का वर्क बहुत ही फास्ट भी हो पाता है और बहुत अच्छे अमाउंट में भी हमारा प्रोडक्शन हो पाता है है ना तो इसलिए कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादातर वर्क जो है वो मशीन्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके किया जाता है नेक्स्ट इज़ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स फर्स्ट इन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मर शेल सरप्रस टू members ऑफ द लोकल कम्युनिटी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मर्स जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस उनके पास प्रोड्यूस होता है उसको वो लोकल कम्युनिटी में बेच देते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो होती है जब हम हमारे सेल्फ कंसप्शन के लिए फार्मिंग कर रहे हों जब हम उसे सेल करने के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर ये तो कमर्शियल फार्मिंग हुई है ना और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में तो हम खुद के यूज़ करने के लिए अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए फार्मिंग कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है नेक्स्ट नोमैड्स आर दोज पीपल्स हु लिव एट अ परमानेंट सेटल्ड प्लेस नोमैड ऐसे लोग होते हैं नोमैडिक ट्राइबल्स ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी परमानेंट प्लेस पर सेटल्ड होते हैं तो क्या ये ट्रू है नो इट इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट है ना ये भी तो फॉल्स है क्योंकि नोमैडिक्स तो परमानेंट प्लेस पर रहते ही नहीं है नोमैडिक्स तो वो होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं हिली एरियाज़ में छिपे तौर पे रहते हैं और ये लगातार अपने कैटल्स को लेके अपने जो भी इनके पास चीज़ें होती हैं सामान होता है उनको लेके मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर अपने एनिमल्स के लिए कैटल्स के लिए फॉर्डर क्रॉप्स के सर्च में खुद के लिए फूड के सर्च में घूमते रहते हैं और एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड की सर्च में ये घूमते रहते हैं ना तो ये इनका कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है थर्ड द मार्केट फॉर प्लांटेशन क्रॉप इज़ लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल है ना तो हमारा जो मार्केट है प्लांटेशन क्रॉप के लिए वो लोकल लेवल पर भी हमारे लिए अवेलेबल है और इंटरनेशनल लेवल पर भी तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है है ना प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन से हैं जैसे टी कॉफी शुगर केन ये सब हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं और इनको हम बहुत बड़े लेवल पर भी सेल करते हैं तो इनको बेचने के लिए इनको सेल करने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए वी हैव इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज लोकल मार्केट फोर्थ इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन महाराष्ट्र इन इंडिया हाँ ये राइट right है स्टेटमेंट क्योंकि हमारे पास इंडिया में महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रैक्टिस भी किया जा रहा है और बहुत अच्छे से वहाँ पर ये काम हो भी रहा है कोऑपरेटिव फार्मिंग का तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है नेक्स्ट टू मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट इज़ इन इंडिया कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन हमारे इंडिया में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जा रहा है ऑप्शन ए पंजाब ऑप्शन बी हरियाणा एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी तो हमारे यहाँ पर इंडिया में दोनों ही स्टेट्स में कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस की जा रही है यानी पंजाब और हरियाणा में दोनों ही जगह और भी कई स्टेट्स हैं जहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग को यूज़ किया जा रहा है है ना तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी पंजाब एंड हरियाणा सेकेंड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस चैप्टर इज़ कैटल रियरिंग फॉर मीट एंड मिल्क इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जब हम फार्मिंग के साथ साथ कैटल रियरिंग भी कर, कर कर रहे हैं मीट और मिल्क पाने के लिए गेन करने के लिए है ना तो हमारे इस तरह की जो फार्मिंग है वो क्या कहलाएगी मिक्सड फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग तो ये हमारी मिक्स्ड फार्मिंग कहलाएगी है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो हम ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू फार्मिंग करते हैं और डेयरी फार्मिंग में तो हम केवल एनिमल्स की रियरिंग करते हैं और उनसे मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाते हैं मिल्क देने वाले एनिमल्स के साथ है ना पर मिक्स्ड फार्मिंग होती है जहाँ पर हम कैटल रियरिंग कर रहे हैं मीट पाने के लिए मिल्क पाने के लिए और साथ साथ फार्मिंग भी करते हैं तो ऑप्शन ए इज़ राइट मिक्सड फार्मिंग ओके स्टूडेंट्स सो टूडे वी हैव डिस्कस्ड ऑल बुक एक्सरसाइजेस वो सारे चैप्टर्स जो हमारे पीरियडिक सेकेंड में आने वाले हैं उनको उनके बुक एक्सरसाइजेस हमने डिस्कस कर लिया आई हैव ऑलरेडी सेंट यू पी डी एफ ऑफ ऑल चैप्टर्स सभी चैप्टर्स के पीडीएफ यानी जो भी सोल्यूशन है जो भी नोट्स हैं हमारे वो हमने पहले से ही सेंड किया हुआ है आई होप यू ऑल हैव कम्प्लीटेड ऑल वर्क इन योर बुक बहुत सारे बच्चों ने हमें एक्टिविटी भी भेजा है तो जिन बच्चों ने गूगल क्लासरूम में मेरे पास एक्टिविटी सेंड किए हैं उनके मार्क्स उनको मिल जाएंगे दूसरा कोई और मीडियम मेरे तरफ से इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था जिसमें एक्टिविटीज़ को सेंड करना था तो जिन्होंने गूगल क्लासरूम में सेंड किया है उनके मार्क्स तो उनको मिल जाएंगे जिन्होंने नहीं किया है वो डायरेक्टली थोड़ा सा कांटेक्ट करके फिर उसके बाद सेंड कर सकते हैं ठीक है ज़्यादा लेट हो जाने पे लास्ट डेट निकल जाने के बाद कोई भी मार्क्स फिर सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी के सेक्शन में नहीं दिया जाएगा और नोटबुक भी कंप्लीट कर लो क्योंकि नोटबुक के लिए भी वो भी कभी भी मांगा जा सकता है और एट गिवेन डे जिस भी दिन दिया जाएगा उसी दिन आपको सबमिट भी करना है और फिर तभी उसके मार्क्स मिल पाएंगे क्लियर है सारे इंस्ट्रक्शंस बट इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इंटरनल मार्क्स और योर मेन ऑनलाइन एग्ज़ाम यू कैन कॉल मी Anytime okay, so students, now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.